डोरेमोन क्यों बना? डोरेमोन क्यों बना है? डोरेमोन मैंने कराया गया था कूद। अरे यार गाड़ी किसने लगा रखी है? आप ही चला लो सर। लो दे मैं चला लूं। मैं तो ऊपर चले जाऊंगा। आ गया बैठ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी क्या था भाई, जस्ट सोके उठा था मैं। एक द्वारका मोड़ जाना है, ऋतिक का भाई आ रहा है तो उससे कोट पैंट लाने। इसको एक बार वहाँ चलते हैं पहले, फिर अच्छा दिए काम भी है बहुत सारे। बढ़िया लग रहा हूँ तो क्या मैं देखने में तो आगे सेठ जी ले आए कहते एकदम ट्रैक लिंक करवा के लाए तेरा भाई। रख दे पीछे, रख दे। क्या बोला, कुछ कह भी रहा था? नहीं तो इतना लेट कैसा हुआ तू? अरे वो गए कर नहीं, इसमें मतलब बातचीत कर रहा था क्या? ये पूछूं हाँ। की तो कोई बात नहीं है, बेवकूफ एग्जाम देखो तो आगे उड़कर मैं घर चाय पीने चलेगा। चल मन तो कर रहा है ना, क्योंकि सुबह उठते तू मेरे को यहाँ ले आया, कुछ खाए पिए है नहीं बिल्कुल भी। मन तो कर रहा है मेरा चाय पिए, बट वो ये समझ नहीं आ रहा। घर फिर घर जाके ही मिले, घर जाके ही मिलेगी वो तो चाय। अरे कोई नहीं, दो बार पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जितनी बार चाय पिला दे मैं तो वहां से पी के जाके भी फिर घर जाके फिर पीता हूँ। सोच रहा हूँ चलें चले, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा? चल तू हाँ बोला चलेंगे, तू ना बोला चल रहे भाई। कंफ्यूजन की कोई सवाल नहीं। मम्मी सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मेरी नाती इसने आ करी है तो इसको बोलना जो बोलोगे, मेरे को मत बोलना कुछ। ये अंकल तो जानता है क्या पर्सनली? देख के गाड़ी सलाम करता है, गाड़ी पहचानता है भाई। विकास सर मैं अंकल के पुराने कस्टमर है, फर्स्ट ईयर से तब से। तो भाई मैं अभी घर आया और हमारे महान आदमी ने क्या कर दिया, देखो फाड़ दिया इसको वहां से। अब क्यों पूछ ला रहा है? अभी पूछ ला, देखना डांटूंगा जैसे। ओए क्यों फाड़ा है, क्यों फाड़ा? इधर देख के बात कर, क्यों फाड़ा, क्यों फाड़ा है? नहीं क्या मतलब है फाड़ने का? अच्छा बताऊं क्या? पानी अभी नहीं पी रहा, वो पी ली थी ना फिर। हाँ इधर देख के बात कर, इधर देख कैमरे में देख के बात कर, क्या है? गधा, भगवान गधा बना रहा था गलती, कुत्ते की लाइन में घुसी तेरी आत्मा, आत्मा तेरी गधे की है। अच्छा तो वैसे नहा के तैयार हो गया हूँ, कपड़े वगैरह बाद में पहनूंगा, ये फिलहाल इससे प्रेस करवा रहा हूँ कपड़ों पे मैं, और अगर बाल वाल सेट करूँ क्योंकि बाल बैठ जाए। हाँ आप देख लो आपकी इच्छा मम्मी। तो भाई बाल भी सेट कर लिए मैंने। अरे थूका ना नहीं आ रहा क्या? कैसे लग रहे हैं ऋतिक? बढ़िया लग रहा है ना। बाकी अगर कोट पैंट मैं देख लूँगा, उस पर मैच नहीं करे तो चेंज कर लूँगा ना। जो दूल्हे राजा है उनके कपड़े प्रेस हुए नहीं है, तो उनके कपड़े प्रेस करा के लाने हैं, तो एक बार चलते हैं। फिर ऐसे कोट पैंट में मोहल्ले में घूमने अजीब लगता है थोड़ा, तो फिर मैंने ऊपर ऊपर का चेंज कर लिया है, कपड़े प्रेस करा के ला रहा हूँ। ठीक है ये भाई बारात से पहले ही खा रहा है पर सेट है जाने के लिए। घर से हम निकल गए थे, साथ में रमन आ गए हैं, ऋतिक मेरे साथ है, भाई शिफ्ट में गया है, दो मतलब दो भाई उनके साथ गया भाई और रमन में इसमें जा रहे हैं। फिलहाल हम सबसे पीछे रह गए, लेट हो गए, अभी द्वारका मोड़ पे है। भाई बता रहा था कि वो वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे आके मिल लेंगे, तो वहाँ चलते हैं। और सर जी क्या हाल चाल आपके? आपने बुलाया बड़ा अच्छा लगा। अरे तू रहने दे, कोई मेरे से पर्सनल पूछना कहानी मैं बताऊंगा सबको, क्या कहानी थी बोल रहे ना, बुलाया बड़ा अच्छा लगा। तू कहाँ ढंग से लगा दे उसे, गिर मत जाइयो तू, गिर मत जाइयो बस। तो भाई अभी हम जा रहे, तो मुझे मेरा स्कूल का दोस्त मिला सचिन, उसमें दिख रहा होगा आपको, हाथ दिखा रहा है। अच्छा तो भाई यहाँ पे अभी हमने मतलब सारी गाड़ी को स्टॉप कर लिया था पीछे तक, अभी और आ रही है साथ में, यहाँ से चल रही है क्योंकि ना सारे अलग अलग हो रखे हैं, जाम था
तो गूगल मैप कोई किसी को कहीं से लाया तो सारे अलग अलग आ रखे थे। अब सारे यहाँ पे मिल गए, सारे साथ चलेंगे। यहाँ पे हम पहुंच चुके, दो नहीं तीन पहुंच गए हम यहाँ पे। अपनी ये गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई है, शिफ्ट एरी स्कॉर्पियो एरी, ये अपना ब्लॉग कर रहा है। फिलहाल तो भाई भूख लग रही है बहुत गंदी, क्योंकि सुबह से, अरे बाद में बता दे भाई, सुबह से यहाँ से मतलब सुबह कुछ खाया नहीं था और अभी पहुँचे बस, तो भूख है तो कुछ देखते हैं, फिर नाच गाना भी होगा, खाते पीते हैं। पहले डोरेमोन क्यों बने करेगा क्या, मतलब कूदेगा फादे कुछ करेगा, कूद या कुछ मजे टाइम पास, डांस वांस घूमेगा बस, डोरेमोन घूमेगा बस इतना ही और कुछ नहीं। चल ठीक है भाई, घूम ले। गिर के जाएगा, चढ़ जा। अरे कुछ ना होगा, चढ़ के एक डाइव मार रही है बस। अरे वहां से बैठ के कूदना तो है, कुछ नहीं होगा, जा मजा आएगा। चश्मा दे जा, चाहे जाके दे दे मुझे, जा तू जा। अरे हवा कम है उसकी, इसका वेट जा रहा है हवा भरने से है। अरे तू जान, एक छलांग मार दे, वहां जाना सीधा। डाल दे कॉकटेल ही बोलते हैं ना शायद, कॉकटेल बना के भेजे एक और ले ले। और अभी हो रही थी ठंड, हम गाड़ी में आके बैठ गए थे तीनों। अभी टाइम है, खाना वाना स्टार्ट हुआ नहीं है और यहाँ इधर कोई भीड़ भी नहीं है, दिख रहा होगा आपको। तो हम आ गए थे गाड़ी में, ठीक है। भाई फिलहाल खाना खा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि डेढ़, वो क्या बोलते हैं बारात निकली जो डेढ़ घंटे हम उसी में नाच रहे हैं ढोल पे, अभी डीजे का नंबर आया नहीं है तो डेढ़ घंटे भाई नाच रहे, थक गए फिलहाल। मैं और रमन, ये रहे ऋतिक, ये आ गया। ऋतिक भी खूब नाचा, रमन भी नाचा, रमन क्या डीजे पे नाचूंगा क्योंकि उसका पत्नी है। अच्छा, परमिशन ले रहा है बैठने के, होने वाला आई है हम परमिशन ले। डांस वगैरह भी खत्म हो चुका है, आपको हालत देख के पता चल रहा होगा। पहले तो डेढ़ घंटे, ओए चाबी दे देना हमें घर की, देखो तो हम बुला लेंगे, तू हमें फोन कर दियो, हम मम्मी थोड़ी करेंगे फिर। इसकी भी इसकी हालत देख लो, इसके कपड़े वगैरह सब उतर गए हैं पूरे वैसे तो। हाँ पहले डेढ़ घंटा ढोल पे, उसके बाद डेढ़ दो घंटा यहाँ पे हो गया हमारा। हमें तो भाई बारात अलग वहाँ चल रही है, हम बस नाच रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं बारात ग्रुप से। चाबी तेरे पे, चाबी निकलते हैं भाई, अब सीधा घर पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। चाबी मेरे दो रहा, तू चला होगा, आवाज है तू, पता ही होगा मेरे को भी आवाज की क्या दिक्कत है। ऋतिक हमारे साथ चल रहा है, भाई के साथ आएगा, हमारे साथ चल रहा है भाई, चाबी ले ली। भाई अब घर चलते हैं एक बार क्या, आप तो कहीं चलते हैं। हाँ बहुत हुआ आज के लिए, आज का कोटा पूरा। बता नाचेगा तो और चल रहे, मेरे को दिक्कत नहीं है सिक्की। बता दे नाचेगा तो अभी और भाई, और नाच ले कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बता रहा मैं, नाचेगा तो या खत्म। चल भाई घर चलते, क्योंकि घर पे हम कितना बोल के आए थे कब तक आ जाएंगे। 8 बजे बोला था घर पे, और टाइम कितना हो रहा है, 11:30 बज गए भाई, 8 बजे घर बोला था। एक तो यार फॉर्मल शूज में नाचना मुश्किल है, पाँव दर्द रख के, पाँव दर्द ये फ्लैट होता है बिल्कुल टाइट होती है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई फिलहाल हम 24/7 आ गए थे कुछ पीने के लिए, मतलब वहाँ पे डांस किया था, उसके जैसे बाद पानी तो पिया नहीं था क्योंकि अगर पसीने थे पानी पीते बीमार रहते, तो यहाँ 24/7 आ गए थे कुछ पीने के लिए। ऋतिक गया अंदर मॉन्स्टर लेने के लिए, और आज के ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि घर जाके मैं एडिटिंग करके सीधा सो जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।